यहाँ पे सब मिलती है रात को, यहाँ पे सब, यहाँ पे दवा के कारोबार चल रहा है, यहाँ पर खुलेआम सेक्स का व्यापार चला जा रहा है। आदर्श नगर थाने वाले इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, खुलेआम पुलिस वालों की देन है सर, सबको मालूम है कि कहाँ क्या होता है। खुलेआम चल रहा है, अच्छा पुलिस वाले इसको देख के बिल्कुल इग्नोर करके बैठे, 5 से 6 साल होने जा रहे हैं इस बात को। पीछे चौकी भी है, पुलिस चौकी के साथ में भी चलता है और पुलिस वाले फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। ऑयल फिशर फिस्टुला यह एक आम समस्या, इस समस्या से जूझ रहे लोग करवा सकते हैं शार करप शार सूत्र चिकित्सा, नीचे दिए नंबरों पर संपर्क। राजधानी दिल्ली में फिर से एक बार शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है कि दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे देह व्यापार का धंधा चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस क्या उसे रोकने में नाकामयाब है? जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं आजादपुर मंडी से 100 मीटर दूरी पे, और यहाँ से अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो दिखाइए किस तरह से आपको एक PCR वैन दिख रहा होगा और साथ में ही जो है आदर्श नगर थाना लगता है। अब जरा सोचिए कि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर किस तरह से देह व्यापार चल रहे हैं, लगातार ये जिस तरह से यहाँ पर करोड़ों के व्यवसाय होते हैं, हजारों गाड़ियों में माल भर के आते हैं, ऐसे में दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे कैसे जो है सेक्स का व्यापार चल रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। एक बार तस्वीर दिखाइए किस तरह से सड़कों पर चहल पहल है, अगर आप जिस तरफ भी आपकी नज़र जाएगी लोग किस तरह से आते जाते आपको दिखाई देंगे। अगर साथ में दूसरे तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो किस तरह छोटी सी झुग्गी बनी हुई है, यहाँ पर तमाम महिलाएं रहती हैं, तमाम परिवार वाले रहते हैं, लेकिन इनके घर से थोड़ी दूर पर किस तरह एक बार जूम करके दिखाइएगा कि वो सामने जितने भी आपको ट्रक दिख रहे होंगे उस ट्रक के पीछे किस तरह से अवैध तरीके से जिस्म बेचने का कारोबार चल रहा है और लगातार चल रहा है, चाहे वो कोई महिला हो या फिर चाहे कोई किन्नर हो, वो किस तरह से अपने शरीर को बेचती है, ट्रांसजेंडर भी हो, वो तमाम लोग अपने शरीर को बेचती हैं और उसके ख़रीदार इस बाज़ार में आते हैं और अवैध तरीके से किस तरह से यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इस बीच एक सवाल उठता है कि आखिर क्या आदर्श नगर थाने के पुलिस वालों को ये चीज़ पता नहीं है? क्या यहाँ के जो बीट ऑफिसर है जब वो पेट्रोलिंग पे निकलते हैं तो क्या उन्हें ये चीज़ पता नहीं चलता कि उन्हीं के थाने से महज 2-4 कदम की दूरी पर किस तरह से सेक्स व्यापार चल रहा है और इसे रोकने में वो लोग नाकामयाब रहते हैं? इससे पहले भी किस तरह से आदर्श नगर के अंदर से एक मामला सामने आया, कई लोगों ने ये भी बताया कि दिल्ली पुलिस के जो ये जवान हैं ये पैसे खाने में मगरूर रहते हैं और एक लड़के को इस तरह बेरहमी से मारा कि उसकी मौत हो गई। अब जरा सोचिए कि सवाल क्यों ना उठे दिल्ली पुलिस पर कि दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे इतना बड़ा धंधा चल रहा है और इतना बड़ा कारोबार चल रहा है अवैध तरीके से और फिर भी इसे रोकने में नाकामयाब है। हम चलते हैं आगे, आगे की तस्वीर दिखाते हैं आपको कि आखिर उस ट्रक के पीछे है क्या और किस तरह से सेक्स का व्यापार चल रहा है और किस तरह से उसके खरीदार आते हैं, लेकिन इस खरीदार को, इस बाजार को बंद कराने में दिल्ली पुलिस बिल्कुल इस खरीदार के बाजार को रोकने में नाकाम साबित हो रही। तो चलिए चलते हैं आगे और आगे से हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? अक्षय मनचंदा नाम है सर मेरा। अच्छा अक्षय जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी सर, मैं आजादपुर रहता हूँ, गली नंबर 3 केवल पार्क। क्या हुआ था, आपने क्या देखा, कहाँ सेक्स के काम? मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, 4 से 5 साल से यहाँ पर, पहले मंडी के अंदर भी कंटिन्यू सेक्स का व्यापार चलता है रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। हाँ। और कल तो हम कुदरती, हम किसी पार्टी फंक्शन से आ रहे थे, हम घर जा रहे थे, चाय पीने के लिए यहाँ रुके थे। हाँ। हमने देखा यहाँ पर 2-3 लड़कियाँ थी, यहाँ पर सेक्स का व्यापार खुलेआम चल रहा था। हमने एक की वीडियो भी बनाई है और वो वीडियो मैं यूट्यूब पर दिखाना चाहता हूँ, और मैंने एक रिटर्न कंप्लेंट भी लिख के दे दी है DCP ऑफिस। और बात बताइए, ये जो सेक्स का धंधा यहाँ पे चल रहा है ये कब से चल? ये 5 साल से ऊपर हो गया है, पुलिस की आंखों देखी, ये पीछे चौकी भी है। हाँ। पुलिस चौकी के साथ में भी चलता है। अच्छा। और पुलिस वाले फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। अच्छा। पुलिस चौकी के साथ में,
कौन सा थाना लगता है आप? आदर्श नगर थाना लगता है, ये हमारा ये 100 मीटर की दूरी पे थाना है। क्या आपके जो इस बीट ऑफिसर है यहाँ के, क्या उन्हें पता नहीं है? सबको पता है लेकिन कोई भी इस पे एक्शन नहीं लेता, क्योंकि इन सब पे पैसा जा रहा है थाने में। हाँ। और आंखों दिले काम हो रहा है, ये लोग कुछ भी देख के इग्नोर मार के बैठे हुए हैं सारे। हाँ जी, तो इस तरह से जो है महज देखिए किस तरह से आदर्श नगर थाना लगता है, 100 मीटर की दूरी पर थाना, और उसके बाद किस तरह से उन्हीं के नाक के नीचे यहाँ पर इतने बड़े तादाद में जिस्म फरोशी चल रही है, देह व्यापार चल रहा है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं। क्या पुलिस के उन SHO को या फिर उन IA ऑफिसर को या फिर बेट ऑफिसर जो है उन्हें पता नहीं चलता कि उनके इलाके में क्या हो रहा है? क्या नाम है सर आपका? मेरा सुभाष है। यहीं रहते हैं? नहीं, मैं तो दूर आता हूँ। अच्छा। आता हूँ रोज सब्जी लेने। क्या कहेंगे जो ये देह व्यापार चलता है इसको? ये गलत है सर, पुलिस वाले कराते हैं, चोरी कराते हैं पुलिस वाले। मैं तो यही कहूँगा सर। हाँ। सब यहाँ जेब कटती है तो पुलिस वालों की देन है सर। हाँ। सबको मालूम है कि कहाँ क्या होता है। एक बात बताइए, ये जितने ट्रक लगे हैं इसके पीछे ही होता है? हाँ जी सर, इसी के पीछे होता है, पुलिस वालों की आंखों के सामने होता है। पुलिस वाले देख के इग्नोर मार देते हैं, उनको सिर्फ रिश्वत जा रही है पूरी थाने में। अच्छा। हाँ जी सर, एक बार अंदर चलिए, अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वाकई में इन ट्रकों के पीछे किस तरह से एक शरीर को बेचा जा रहा है। और इस चीज़ को लेकर जो है पुलिस कहीं ना कहीं बिल्कुल नाकाम है वो रोकने में कि किस तरह से यहाँ पर सेक्स का धंधा खुल्लम खुल्ला चल रहा है, लेकिन इसे कैसे रोका जाए? जरा दिखाइए किस तरह से यहाँ पर रात के समय में ट्रक लगता है। हालांकि ये जो है पूरा ट्रांसपोर्ट एरिया है, एक बार तस्वीर दिखाइए कि चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रक ही ट्रक दिखेगा, क्योंकि आजादपुर मंडी है और मंडी के साथ में जिस तरह से ट्रक आता है वो साफ तौर पे आपको दिखेगा। लेकिन जरा सोचिए कि ट्रक के आर में किस तरह से देह व्यापार चल रहा है, ये दिखाइए किस तरह से अगर आपकी नजरें जाएंगी तो यहाँ पर तमाम कॉन्डम्स के पैकेट मिलेंगे आपको। और साथ ही हम आपको इधर भी एक बार ये दिखाइए किस तरह से जो नशे की चीज है वो खुलेआम धड़ल्ले से लोगों को मिल जाता है, उसके बाद वो नशा करते हैं और नशा करने के बाद सेक्स के लिए जब पागल होते हैं तो यहाँ पर वो लोग पहुंचते हैं और सेक्स को पूरा करते हैं। एक बार दिखाइए तस्वीर किस तरह से ये तमाम कॉन्डोम के पैकेट्स भरे हुए हैं। यहाँ पर अगर बारीकियों से दिखाए तो यहाँ पे आपको दिखेगा, एक बार इधर तस्वीर दिखाइए कि ये पूरा एरिया जो है रात को सुनसान हो जाता है और इस तरह से ट्रक लगे होते हैं और ट्रकों के बीच में किस तरह से जो है यहाँ पर खुलेआम जिस्म बेचने का धंधा चल रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं, इसे पूछने वाला कोई नहीं। एक बात बताइए, यहाँ पर ये खुलेआम चल रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल खुलेआम चल रहा है। अच्छा। पुलिस वाले इसको देख के बिल्कुल इग्नोर करके बैठे, 5 से 6 साल होने जा रहे हैं इस बात को। और पूरी मंडी में चलता है, मंडी में चौकी है, पुलिस चौकी उसके पास भी चलता है ये रात को। और पुलिस वाले जबकि चौकी होने के बावजूद भी पुलिस वाले उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे चौकी के साथ में। एक बात बताइए, कौन खड़ी होती है? महिलाएं भी होती हैं, किन्नर भी होती हैं, यहाँ पे सब मिलती हैं रात को। यहाँ पे दबा के कारोबार चल रहा है यहाँ पर, और दबा के यहाँ पे भीड़ लगती है। क्षेत्र में जो है पेट्रोलिंग नहीं हो? पेट्रोलिंग होती है सर, लेकिन मगर ये कोई कार्रवाई नहीं करते पुलिस वाले। कोई कार्रवाई नहीं है इस पे सर। ये दिखाइए किस तरह से यहाँ के हालात है कि अगर आप जिधर भी देखेंगे आपको कॉन्डोम्स के पैकेट ही मिलेंगे। क्या नाम है भैया आपका? रणवीर। नहीं रहते आप? नहीं, मैं तो नन्नगरी रहता हूँ ये। अच्छा। हम अपनी गाड़ी सही करवाने आए हैं यहाँ पे। अच्छा, गाड़ी सही करवाने आए। एक बात बताइए, जिस तरह से ये चल रहा है इसको लेकर क्या कहें? सर ये तो गलत ही चल रहा है, जो भी अगर ये देह व्यापार चल रहा है तो गलत ही है वो तो। इस पर सर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे अपना कुछ। साफ तौर पे देश की राजधानी दिल्ली में JB रोड जैसे जगहों को सरकार के द्वारा अलॉट किया गया है कि अगर सेक्स वर्कर को सेक्स के लिए काम करना है, सेक्स के प्रति काम करना है तो वो लोग जाकर जो है JB रोड के पास जो कोठे बने हुए हैं वहाँ पे करें। लेकिन खुलेआम किस तरह से एक समाज को गंदा किया जा रहा है, खुलेआम किस तरह से सड़कों पर देह व्यापार चल रहा है, ये दिखाइए पैकेट्स। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा किस तरह से यहाँ पर हर चीज़ आपको दिखेगा। और साथ ही हम आपको बता दें कि इस तरह ये पूरा ट्रक लगा हुआ है, ये आजादपुर मंडी का एरिया, मंडी यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, पुलिस थाना 100 मीटर की दूरी पर, फिर भी जो है कितनी लापरवाही है। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह आदर्श नगर थाने के अंदर कस्टडी के अंदर एक लड़के को मारा जाता है और इतने उसे मारे जाते हैं, इतनी उसकी पिटाई होती है
कि उसकी जो है मौत हो जाती है, फिर भी उसके बाद अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन फिर से आदर्श नगर के इलाके में ये जिस तरह मामला आता है, वाकई में दिल्ली पुलिस को शर्मसार कर देने वाला है कि उनके नाक नीचे इलीगल तरीके से कैसे देव व्यापार हो रहा है, जिस भरोसे हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को लेकर रोकने की जिम्मेदारी क्या उनकी नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट हरनाम धवन के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।